हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डीके टेक्निकल गया। तो आज के इस वीडियो में पोषण ट्रैकर ऐप में जो बच्चे हैं, जैसे कि यहाँ पे जो 0 माह से 6 मंथ के बच्चे हैं, 6 मंथ से 3 ईयर्स के जो बच्चे हैं और जो 3 ईयर से 6 ईयर के बच्चे हैं, इन सभी में हाइट वेट कैसे डालना है। तो उससे पहले आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल नोटिफिकेशन का बटन जरूर जरूर सेलेक्ट कर लें। तो यहाँ पे 6 मंथ से 3 साल वाले बच्चे की कैटेगरी ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपको कुछ कलर दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि ग्रीन कलर, रेड कलर और यहाँ पे सबसे नीचे है येलो कलर। तो इन सारे कलर का मतलब क्या होता है, तो जैसे कि ये ग्रीन कलर आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, तो इसमें जो बच्चे की हेल्थ स्टेटस शो करता है, जैसे कि इसका हेल्थ स्टेटस यहाँ पे नॉर्मल शो कर रहा है, यानी कि ये बच्चा जो है अभी फ़िलहाल ठीक है, इसकी वजन और ऊंचाई जो है इसकी सही है, इसलिए बच्चे का ये स्टेटस नॉर्मल दिखा रहा है। और यहाँ पे जो रेड कलर दिखा रहा है, इस रेड कलर वाले बच्चे पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इस बच्चे का हेल्थ स्टेटस देखेंगे, तो इस बच्चे का हेल्थ स्टेटस दिखा रहा है सेवियर एक्यूट मेल न्यूट्रिशन, यानी कि ये बच्चा अति कुपोषित है और इस बच्चे का जो उम्र के हिसाब से वजन और हाइट होना चाहिए इसका नहीं है, इसलिए इस बच्चे को सेम की कैटेगरी में रखा है। और उसके बाद यहाँ पे जो येलो कलर का घेरा आप लोगों को दिखा रहा होगा, यानी कि इस बच्चे पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इस बच्चे का हेल्थ स्टेटस देखेंगे, तो इस बच्चे का हेल्थ स्टेटस मॉडरेट एक्यूट मेलन्यूट्रिशन बता रहा है, यानी कि ये बच्चा मध्यम कुपोषित है और जो इस बच्चे का हाइट और वेट होना चाहिए वो इसके उम्र के हिसाब से नहीं है, इसलिए इस बच्चे को मध्यम कुपोषित वाले कैटेगरी में रखा गया है। तो जैसे कि जो 0 माह से 6 मंथ के बच्चे होते हैं, 0 से लेकर 6 मंथ के जो बच्चे होते हैं, उनमें लगभग 600 ग्राम से 800 ग्राम प्रति माह वज़न बढ़ता है, और 7 माह से लेकर 12 माह तक बच्चों में लगभग 300 ग्राम से 400 ग्राम तक वज़न उनके उम्र के हिसाब से प्रति माह बढ़ता है। तो 1 साल से लेकर 3 साल के बीच में जो बच्चे होते हैं उनके वज़न की वृद्धि लगभग 150 से लेकर 200 ग्राम के बीच में प्रति माह उनके वज़न में वृद्धि होती है, और जो 3 साल से लेकर 6 साल के बच्चे होते हैं उनमें लगभग 125 ग्राम प्रति माह उनमें वज़न वृद्धि होती है। तो ये इसलिए आपको सभी को बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग जो वज़न भरते हैं वो उनके उम्र के हिसाब से थोड़ा थोड़ा जो महीने में जो वज़न बढ़ता है उस हिसाब से आप लोग वज़न भर सकते हैं। और जैसे कि आप लोग हर माह बच्चे का वज़न करते हैं और वज़न करने के बाद आपको इस पोषण ट्रैकर ऐप में उस बच्चे का एंट्री करना है, इसके लिए मैंने आप सभी को इसमें थोड़ी सी जानकारी दे दिया। तो चलिए अब बच्चों की वज़न और हाइट किस प्रकार से डालना है, तो जो बच्चों की हाइट और वेट डालना है वो किस प्रकार से डालेंगे, तो जैसे कि यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो ग्रोथ मॉनिटरिंग का ऑप्शन दे रहा है इस पर हम लोग को क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऊंचाई और वज़न का ऑप्शन आ जाता है। इसमें आपको बच्चे की ऊंचाई और वज़न डालना है जो कि रियल हो, आप लोग जो हर महीने बच्चे का वज़न करते हैं उसी प्रकार से इसमें उसका हाइट और वेट डालना है, और बच्चों का वज़न उसके हिसाब से अगर आप लोग नहीं डालते हैं, आप लोग नॉर्मल करने के चक्कर में, जैसे कि सभी को नॉर्मल दिखाने के लिए आप लोग बच्चों का वज़न और हाइट गलत डाल देते हैं, तो इससे जो बच्चों की ग्रोथ मॉनिटरिंग है उसकी पहचान आप लोगों से नहीं हो पाएगी और जो बच्चों का विकास है वो विकास रुक जाएगा। तो इस प्रकार की गलती आपको नहीं करना है, तो जो बच्चों का रियल हाइट और वेट है वही आपको यहाँ पे डालना है। ये एक नए बच्चे का यहाँ पे हाइट और वेट डाल के देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे अंकित कुमार आप लोग देख पा रहे होंगे, इस अंकित कुमार के हाइट और वेट डाल के देखेंगे कि यहाँ पे उसका जो
कलर शो होगा वो किस प्रकार से शो करेगा। और एक बात मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि अगर आप लोग बच्चे की ऊंचाई इंच में डालते हैं या सेंटीमीटर में डालते हैं तो जो बच्चों की हेल्थ स्टेटस दिखा रहा है वहाँ पे सिर्फ सेंटीमीटर ही शो कर रहा है, यानी कि आप लोग इंच में डालिए या सेंटीमीटर में तो भी आपको वहाँ पे सेंटीमीटर दिखाएगा, सेंटीमीटर में डालते हैं तो भी वहाँ पे सेंटीमीटर में दिखाएगा। अगर आप लोग को इंच से सेंटीमीटर नहीं करने आता है और सेंटीमीटर से इंच करने में प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के आप सभी को बता दूँगा कि सेंटीमीटर से इंच में कैसे कन्वर्ट करते हैं और इंच से सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए एक बच्चे का यहाँ पे जो रियल हाइट और वेट है उसको डाल के देखते हैं। तो इस बच्चे का जो ऊंचाई है वो हम लोग यहाँ पे सेंटीमीटर में डाल रहे हैं, यानी कि 78 सेंटीमीटर, और जो बच्चे का वज़न है वो वज़न 10 kg 100 g, यानी कि आप लोग 1 लिख देंगे या 100 लिख देंगे तो भी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे यहाँ पे रिकॉर्ड सफलतापूर्वक बनाया गया शो हो जाएगा। उसके बाद जो बच्चों की कैटेगरी है यहाँ पे अंकित कुमार आप लोग देख पा रहे होंगे, वो थोड़े देर के बाद ग्रीन या जो भी हो, यहाँ पे देखिए ग्रीन आ गया, यानी कि इस बच्चे का जो हेल्थ स्टेटस है वो नॉर्मल है। तो इसी प्रकार से वेट डालने के बाद जो बच्चों का स्टेटस दिखाएगा वो आपको उस स्टेटस से पता कर लेना है कि बच्चा सेम में है, मैम में है या नॉर्मल में है। तो देखिए हमने वहाँ पे सेंटीमीटर में डाला था फिर भी यहाँ पे सेंटीमीटर ही दिखा रहा है, अगर आप लोग वहाँ पे इंच में भी डालते तो भी आपको यहाँ पे सेंटीमीटर में ही दिखाता। तो उसी प्रकार से आपको सभी बच्चों में हाइट और वेट डालना है और डालने के बाद उससे पहचान कर सकेंगे कि जो बच्चों में कुपोषण की कमी है या बच्चा नॉर्मल है, इसकी जानकारी आप हाइट और वेट डालने के बाद ही पहचान कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और पोषण ट्रैकर ऐप से जुड़ी आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिए।